हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, बीए फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट्स हैं और यूओयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और आजकल हिंदी मिरर पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड हो रहे हैं फर्स्ट सेम सेमेस्टर के, और सेकेंड सेम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट सेम की जो प्रिपरेशन कराई थी वो बाई बुक कराई थी, तो जितने भी यहाँ पर फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा फर्स्ट सेम की। वहाँ पर आपके पास इतना कंटेंट है कि आपके डेफिनेटली 100% नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। और 70 मार्क्स का आपका पेपर है, कहीं ना कहीं आप 35 या 45 इसमें अबाव गेन ही करेंगे। तो जल्दी से फटाफट इसके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स अब से हमसे भी कनेक्ट हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर रहे हैं तो वो आप तक पहुंचते रहें। और जो भी स्टूडेंट पहले से कनेक्ट हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो प्रीवियस पेपर अब मोस्टली सभी अपलोड हो रहे हैं। अभी तक BSO, BAPS, BEAC और आपका GC, CECIT, CRTI, AECC, तो ये सब हमने अपलोड कर दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। बाकी पेपर जल्दी से हम अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। और इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज है आप उसको ज़रूर सेंड करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी कौन से प्रीवियस पेपर को लेकर क्वेरीज है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, BAELN 101 बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आप तक पहुँच रहा है। कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी का अब तक पेपर नहीं पहुंचाते हैं, ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का ही कोड है और बिल्कुल ओरिजिनल ये पेपर है। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो अभी दिसंबर में हुए थे, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री आपके पेपर का नाम है, 70 मार्क्स का आपका पेपर आता है। और बात करते हैं घंटों की, टाइमिंग की, तो टाइमिंग आपको बता दें कि जो आपका सेक्शन ए है वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बी सेक्शन में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं 2 घंटों में आपको मैनेज करना होता है टाइमिंग अपने क्वेश्चंस। मेरा मानना है चाहे आप क्वेश्चन शॉर्ट करके आएँ, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर अगर आप आते हैं तो पूरे पूरे नंबर वो माइनस हो जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन का आंसर 2 पेज का भी लिख कर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एग्जामिनर आपको ज़रूर देता है नंबर। तो कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन कोई ना छूटे, टाइम मैनेज को लेके चलिए। लॉन्ग क्वेश्चन 1 घंटे में निपटाइए, फिर 1 घंटे में जितने भी 4 क्वेश्चन हैं शॉर्ट उनको ख़त्म कीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर, दिस पेपर्स ऑफ 70 मार्क्स डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ए एंड बी, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस कंटेंट इन दिस सेक्शन अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स इंस्ट्रक्शन गिविन देयर इन। आपको जो है 2 सेक्शन में पेपर दिया जा रहा है ए बी, तो इंस्ट्रक्शन साथ में दिए गए हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है ए सेक्शन के। ए सेक्शन में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए कंटेन्स 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 19 मार्क्स का है जैसे मैंने अभी बताया था। तो आपको क्या करना है, रिक्वायर टू आंसर एनी 2 क्वेश्चन ओनली, आपको 5 में से कितने करने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस के अटैम्प्ट करना है। तो आपके पास बहुत चॉइस होती है, इस चॉइस में से आप आराम से 2 क्वेश्चन कोई से भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं पेज की, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी जाती है कि मैडम हमें कितने पेज फिल करने चाहिए। तो आपको बता दें कि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है, आपको 1 घंटे में ही ये पेपर निकालना है। तो 2 क्वेश्चन निकालने हैं लॉन्ग, तो आधा आधा घंटे में आप डिवाइड करिए। अब आप देख लीजिए आप आधे घंटे में कितने पेपर फिल कर सकते हैं। हो सकता है अगर मैं आपको 6 पेज बता दूं और आपकी स्पीड ना हुई इतनी, और हो सकता है मैं 6 बता दूं और आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप 6 से 7 भी फिल कर सकते हैं। तो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पेज फिल कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, डिस्कस श्री अरबिंदो एज ए फिलोसफिकल पोएट विद स्पेशल रेफरेंस टू द पोएम्स दैट हैव बीन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू। कुछ क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, उनको आपको सिर्फ देखकर उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बल्कि यहाँ पर आप देख लीजिए, अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कमला दास के बारे में पूछा गया था, तो डिस्कस कमला दास एज ए कॉन्फ्यूशियन पोएट ऑफ द स्पेशल रेफरेंस टू द पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कमला दास जी के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एस्टिमेट ऑफ जॉन डॉन एज ए
मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, चलते हैं आगे और दो क्वेश्चन पर। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था एटॉमिक क्रिटिकल एप्रिसिएशंस ऑफ द पोयम और टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शैली, तो पीबी शैली के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम आगे, जिससे वीडियो लेंदी ना हो तो थोड़ा क्वेश्चन मैं बताती चलती हूँ, उसको आप अपने आप से पढ़कर नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं अब आगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए थे, सेक्शन बी कंटेन बी आपको 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें से लर्नर को रिक्वायर्ड टू आंसर एनी फोर क्वेश्चंस ओनली। और एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का यहाँ पर बन रहा है, ऊपर 19 नंबर का था और यहाँ पर 8 नंबर का है, तो आप देख लीजिए इससे जस्ट डबल है ये। और अगर आप शॉर्ट में दो पेज भरते हैं तो यहाँ पर 4 तो आपको फिल करने ही हैं, और 4 पेज का मतलब है कि 15 पेज आप एक मिनट में निकालेंगे। तो कुछ इस तरह के मैनेज करके चलिए, घड़ी बांध कर जाइए, स्मार्ट वॉच मत बांधिएगा, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं होती है एग्ज़ाम में, तो सिंपल घड़ी आप बांध कर जाइए। चलिए देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन बना पूछा गया था, यहाँ पर एक नोट लिखना था, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड ड्रामास्टिक मोनोलिक। तो ये जो आपकी पोयम है, मोनोलॉग विद स्पेशल रेफरेंस हिज पोयम माय लास्ट डकेज, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया देना था डोवर बीच का, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड राइट ए नोट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए नेचर पोएट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार आपसे ये लॉन्ग में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम व्हेन ए कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। तो आपने देखा सेंट्रल आइडिया से संबंधित दो क्वेश्चन यहाँ पर बन चुके हैं, तो सेंट्रल आइडिया ज़रूर पढ़कर जाइएगा हर पोयम का, हो सकता है इस बार भी आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाएं। 5 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका 7 यहाँ पर आप देख सकते हैं। अटैमिक क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम पोएट लोवर ब्रिथ बर्ड वाचर इन योवर ऑन वर्ड्स। तो अपने शब्दों में ही आपको यहाँ पर एप्रिसिएशन करना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस पोयम के अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर सरोजिनी नायडू से संबंधित, तो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस द पोयम्स दैट यू हैव, ये थोड़ा कट गया है यहाँ पर, रीजन शायद यहाँ पर रीजन शब्द होगा, तो आपको डिस्कस करना है सरोजिनी नायडू को जो है नाइटिंगेल क्यों कहा गया, भारत की जो है क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको रीजन देना है। तो इस प्रकार से ये आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ से कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और लॉन्ग के शॉर्ट, शॉर्ट के लॉन्ग मिल सकते हैं, तो अच्छे से तैयारी जरूर करके जाइएगा और साथ में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।